बाड़मेर में लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है और जिसके तहत आप देखिए कि सड़कों का बंजर जो है वो समंदर सा हो गया है और जगह जगह पर पानी इस प्रकार से भर चुका है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। और अभी करीब 12 बजने को है और सुबह 6-7 बजे ये बारिश शुरू हुई है और लगातार इस प्रकार की बारिश चल रही है। जैसे में पूरी की पूरी शहर भर की जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो चुकी है। इसके अलावा बाड़मेर शहर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी का इस प्रकार भराव हो चुका है कि लोगों के घरों में पानी चल गया है। साथ ही शहर की निचली कॉलोनियों के जो घर है वहाँ पर भी करीब करीब 3-4 फीट तक लोगों के घरों में पानी आ गया है। ये तस्वीरें इस प्रकार की है कि अब पूरी तरीके से जो है वो पानी में भर चुकी है और लगातार अगर इस प्रकार का बारिश का दौर 1-2 घंटे और चला तो बाड़मेर में जल भराव की स्थितियां भी बन सकती है। जिस प्रकार से बाड़मेर में 4-5 घंटों से बारिश चल रही है ऐसे में अभिभावकों को ये चिंता सता रही है क्योंकि सुबह ही अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया था और स्कूल भेजने के बाद अभी छुट्टी होने का समय है और ऐसे में अब देखिए ये बच्चियां जो है ये स्कूल से घर लौट रही है और मैं बच्चियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा बेटा जो देखो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मेरे को अच्छा कितनी कब से बारिश चल रही है और क्या सी परेशानी आप सब लोगों को हो रही है? सर हम सुबह 7 बजे से आए तब से बारिश एक सप्ताह से चल रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही सर। तब मैंने 9 बजे तो कॉलेज में बैठ गया फिर हमें वहाँ से मैम ने कहा छुट्टी आप जाओ तो मैम सर यहाँ आए तो 2 घंटे से यहीं पर खड़े हैं। अच्छा लोगों का क्या हालात होता है पानी में निकलने के लिए, कैसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं आप लोग? सर हमने खूब मदद की एनसीसी कैडेट होने के नाते लोगों को भी बाहर भी निकालना है पानी में से। कई ऐसे गर्ल्स और बॉयज आए जो स्कूटी को भी लेकर अंदर गिर गए। सुबह 5:30 बजे घर से निकले और 7 बजे यहाँ पे आए, यहाँ पे बारिश लगातार चली जा रही है। निश्चित रूप से आप देखिए किस प्रकार से जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो लोगों की मदद करने के लिए जुटे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बारिश पिछले 5 घंटों से चल रही है ऐसे में लोगों का बाहर घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकले थे उनके हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो अब घरों से इस पानी को पार करने में बहुत क्या हुआ बिल्कुल। आप देखिए कि बारिश का मंजर इस प्रकार से बन चुका है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है।